रहीम अप्रैल फूल के हवाले से आप हज़रा के सामने बात रखनी है कि फर्स्ट अप्रैल को जो जो कुछ किया जाता है जो रस्म की जाती है लोगों को धोखा देके, उनके साथ फ्रॉड करके उनको उल्लू बना के खुश हुआ जाता है तो देखें इस्लाम में मिजा पर कोई पाबंदी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊँगी तो आपने फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी वो बेचारी रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे खुश करने के लिए बताया कि जाएंगी जवान हो के जाएंगी, जाएंगी।, जाएंगी। तो ये मिज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंटनी मांगी कि मुझे ऊँट चाहिए तो आपने फरमाया इसको ऊँटनी का बच्चा दे दो तो उन्होंने अर्ज़ किया यार रसूल्ला ऊँटनी के बच्चे का मैं क्या करूंगा तो आपने फरमाया क्या हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता तो इस तरह का मिजाज तो हदीस से साबित है इसके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं है जब चाहें करें लेकिन मजाक को एक बाकायदा एक तहरीक बना के लोगों में प्रोमोट करना ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है क्योंकि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है तो यकम अप्रैल को जो कुछ हो रहा है वो तो एक बाकायदा तहरीक की शक्ल में एक इज्तमी शक्ल में और इसमें बहुत नुकसान होते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है इसलिए भी ठीक नहीं है कि गैर मुस्लिमों की एक ऐसी रस्म है जिसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है और इसके नुकसान फ़ायदों से ज़्यादा हैं इसलिए भी ठीक नहीं दूसरा आजकल तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि वायरस दुनिया में फैला हुआ है वबा फैली हुई है इतनी ख़तरनाक वबा कि अल्लाह की पना जो मर जाए तो उस बेचारे के गुसल कफन के मसाइल खड़े हो जाते हैं लोग उसके चेहरा नहीं देख सकते अपने जो लवाकिन है वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते इतनी खतरनाक किस्म की वबा फैली हुई है इसमें हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ना ये कि हम ये तमाशे करके और लोगों के साथ इस तरह मजाक करके जो है ना अपने चैनलों को सब्सक्राइब करवाएँ अपने व्यूर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ या लोगों को धोखा दे के उनको तकलीफ पहुँचाएँ कमज़ोर दिल लोग डर जाते हैं बाज दफ़े ऐसी हरकतें होती हैं अभी मैंने एक वीडियो देखी किसी ने शेयर की वो एक साहब ने जो है ना टैक्सी रोककर एक मुर्दा जो है ना उनकी टैक्सी में पीछे डाल दिया और उसको पहले बताया नहीं वो बेचारा डर के भाग गया कि ये क्या हो रहा है तो आप बताएं कमज़ोर दिल आदमी तो मरने का ख़तरा होता है मैं एक साहब से मिला एक पठान था बहुत मजबूत जिसम का मालिक तो मैं उससे मिला जवान लड़का था वो तो उसके हाथ ना ऐसे ऐसे काँप रहे थे होटल में जॉब करता था वो चाय वगैरह बेचता था मैंने पूछा यार तुम इतने सेहतमंद आदमी हो तुम्हारे हाथों में राशा क्यों है तो उसने मुझे अपना वाक़ सुनाया पाँच दस साल पुराना उसने कहा मैं एक फ्लैट में था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शरारत की रात को ना चेहरे पर वो डरावना मास्क लगा कर मेरे सामने आ गया और मुझे सोते हुए मैं उठा के डराया कहा उसका खौफ हालाँकि कितना मज़बूत आदमी इतना सेहतमंद कह रहे मेरे दिल में ऐसा खौफ बैठा कि मैं उस वक्त ना ऐसे खौफ से काँपना शुरू कर दिया तो उसने बताया कि मैं जब कांपना शुरू किया तो उसके बाद से अब तक मेरा ये हाथ काँप रहा है रुका नहीं है पाँच पाँच साल या दस साल इतना अरसा हो गया इलाज करा करा के थक गया हूँ मगर ये मेरे हाथों का राशा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा तो बाज़ लोगों को ऐसे डराया जाता है उनके लाशरूर में खौफ बैठ जाता है जो वो फिर निकलता नहीं है तो प्रैंक बनाने वालों से गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता इस वक्त तो आप लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज़ करें और इस तरह के प्रैंक बनाना या अप्रैल फूल के नाम पे इस तरह लोगों के साथ मजाक करना कि वो ऐसे खौफजदा हो जाएं कितने लोगों का हार्ट फेल हो जाता है मर जाते हैं बात इ... स्ट्रेस में चले जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं बास किसी नफसियाती बीमारी में चले जाते हैं प्रैंक में तो आपके सामने सिर्फ वो वीडियो आ रही है जिसमें बंदा नॉर्मल है आगे कितने लोगों के साथ क्या गलत हो चुका है और कितने लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं कितने मर चुके हैं वो तो वीडियोज़ आ ही नहीं रही होती तो इसलिए इन हालात में तो कम अज़ कम हमें एहतियात से काम लेना चाहिए इस वक्त पूरी कौम को तौबा इस्तार की ज़रूरत है अल्लाह की तरफ रुझू करने की ज़रूरत है ठीक है मैं नहीं कह रहा कि हर वक्त टेंशन मुसलत करें थोड़ा बहुत अगर कोई मिज़ा किसी से करता है दिल खुश करने के लिए तो वो तो ठीक है लेकिन अप्रैल फोल पर वो भी ठीक नहीं है क्योंकि ये तो एक रस्म बन चुकी है तो इसमें तो एक गलत लोगों की ताइद होगी जैसे हम हलीम पकाने से आपको मना नहीं करते लेकिन दस मुहर्रम को अगर आप हलीम पकएँगे तो ये फिर जो है इसमें तो गलत रस्म की तइद होगी लोगों की तो इसलिए दस मुहर्रम को हलीम पकाना नाजायज़ है अब कोई क्या हलीम पर पाबंदी लगा रहे हैं तो इसी तरह याद रखो यकम अप्रैल को अगर आप ये इस किस्म का मजाक करेंगे तो एक गलत रस्म में लोगों की तइद कर रहे हैं तो याद रखें रसूल सल्ह वसलम ने इशाद फरमाया मन मनतशब हबी फ़ोन फान हम जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है तो उसका शुमार क़्यामत में उन्हीं में से होगा तो आप अप्रैल फोल के वाले दिन अगर आप इस तरह से लोगों के साथ मजाक करेंगे तो मजाक अगर वो खतरनाक मजाक है तो वो तो वैसे ही गुना है और अगर ऐसा नहीं सिर्फ लोगों को खुश करना मकसद है तो इस गलत रस्म में लोगों की तइद होगी इस वजह से आपको गुना होगा और वैसे भी मैंने बताया कि इसलिए और भी गुना होगा कि ये वक्त तौबा इस्तवार का है लाशें उठा उठा के लोग थक गए मुल्कों में हालात देखें दुनिया में अमेरिका और इटली का और ईरान का हाल देखें जगहों से तो खबरें आ रही हैं कि जो है ना वो ट्रैक्टर के ज़रिए लाशें उठाई जा रही हैं और दफन दफनाना नसीब नहीं हो रहा बहुत से मुल्क तो सही तादाद लाशों की मरने वालों की बता नहीं रहे हैं ताकि और ज़्यादा खौफ व हरास ना फैले तो अल्लाह का वास्ता है इस वक्त तौबा इस्तेफार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अप्रैल फूल का बायकॉट करें भरपूर तरीके से इसके खिलाफ मुहिम चलाएं लोगों को तौबा की तलकीन दें गुनाहों से बचें टिकटॉक में जो बेहूदगी फैलाई जा रही है उससे तौबा करें बदनजरी से तौबा करें सूद से तोबा करें और माँ बाप की नाफरमानी से तोबा करें नमाज़ छोड़ने से तोबा करें दाढ़ी काटने से तोबा करें लिबास शरीयत के मुताबिक पहने जो खवन बेहुदा लिबास पहन रही हैं इससे तोबा करें रिश्वत लेने से तोबा करें करप्शन से तोबा करें ये इन तमाम बड़े बड़े जो गुना हैं म करने से तोबा करें बहनों की विरासत खाने से तोबा करें अहल ख़ाना पे के साथ बदखलाक़ी के जुर्म से तोबा करें ये सारे जराये हमारे माशरे में इससे तोबा करने का वक्त है अप्रैल फूल मनाने का वक्त नहीं है पहले भी नहीं था और अब तो और भी नहीं है अल्लाहमल की तोफ़ी गदा फरमाए ताई दोगी जैसे हम हलीम पकाने से आपको मना नहीं करते लेकिन दस मुहर्रम को अगर आप हलीम पकाएंगे, तो ये फिर जो है इसमें तो गलत रस्म की ताइद होगी लोगों की तो इसलिए दस मुहर्रम को हलीम पकाना नाजायज़ है अब कोई ये हलीम पर पाबंदी लगा रहे हैं तो इसी तरह याद रखो यकम अप्रैल को अगर आप ये इस किस्म का मजाक करेंगे तो एक गलत रस्म में लोगों की तइद कर रहे हैं तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मनतशब हबी कौमिन फहुवा मिनहुम जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है तो उसका शुमार क़्यामत में उन्हीं में से होगा तो आप अप्रैल फोल के वाले दिन अगर आप इस तरह से लोगों के साथ मजाक करेंगे तो मजाक अगर वो ख़तरनाक मजाक है तो वो तो वैसे ही गुनाह है और अगर ऐसा नहीं सिर्फ लोगों को खुश करना मकसद है तो इस गलत रसम में लोगों की ताइद होगी इस वजह से आपको गुना होगा और वैसे भी मैंने बताया कि इसलिए और भी गुना होगा कि ये वक्त तौबा इस्तार का है लाशें उठा उठा के लोग थक गए मुल्कों में हालात देखें दुनिया में अमेरिका और इटली का और ईरान का हाल देखें बाज़ों से तो खबरें आ रही हैं कि जो है ना वो ट्रैक्टर के ज़रिए लाशें उठाई जा रही हैं और दफन दफनाना नसीब नहीं हो रहा बहुत से मुल्क तो सही तादाद लाशों की मरने वालों की बता नहीं रहे हैं ताकि और ज़्यादा खौफों हरास ना फैले तो अल्लाह का वास्ता इस वक्त तोबा इस्तेफार करके अपने गुनाहों की माफी मांगे और अप्रैल फूल का बाकॉट करें भरपूर तरीके से इसके खिलाफ मुहिम चलाएं लोगों को तोबा की तलकीन दें गुनाहों से बचें टिकटॉक में जो बेहूदगी फैलाई जा रही है उससे तोबा करें बदनज़री से तोबा करें सूद से तोबा करें और माँ बाप की नाफरमानी से तोबा करें नमाज छोड़ने से तोबा करें दाढ़ी काटने से तोबा करें लिबास शरीयत के मुताबिक पहने जो ख़ातन बेहुदा लिबास पहन रही हैं इससे तोबा करें रिश्वत लेने से तोबा करें करप्शन से तोबा करें ये इन तमाम बड़े बड़े जो गुनाह हैं म करने से तोबा करें बहनों की विरासत खाने से तोबा करें अहल ख़ाना पे के साथ बदखलाक़ी के जुर्म से तोबा करें ये सारे में हमारे माशरे में इससे तोबा करने का वक्त है अप्रैल फूल मनाने का वक्त नहीं है पहले भी नहीं था और अब तो और भी नहीं है अल्लाहमल की तोफीकता दाफर